दर्शकों आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज में, मैं हूं आपके साथ बीएल पांडे। आज मथुरा में नगर निकाय चुनाव का जो है वोटिंग हुआ है और वोटिंग में मतदान जो हुआ है उसको लेके हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी। इनसे जानेंगे कि क्या रहा मतदान का रुझान, क्योंकि 6-8 बज चुके हैं, 6 बजे पेटियां पैक हो गई। 6 बजे पेटियां पैक होने के बाद अब क्या रहा है, जिस तरीके से मथुरा में मतदान हुआ है उसको लेके इनसे बात करेंगे कि क्या रहा मतदान का रुझान और जितना मतदान हुआ है उसको लेके क्या है इनकी राय। जी हमारे साथ मौजूद है आईयू के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले जानते हैं, भारद्वाज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। भारद्वाज जी, जिस तरीके से मतदान मथुरा में हुआ है क्या कहेंगे उसको लेके? इस बार पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, वोटिंग जो परसेंटेज है टोटल अप्रोक्सीमेटली लगभग 7.5 लाख के आसपास वोटर्स थे मथुरा के अंदर, और जो लगभग जो वोट परसेंटेज है अभी आधिकारिक नहीं आई है बट अप्रोक्सीमेटली वो 40% के आसपास है। 40% मतदान होना कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के इस महापर्व पर कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है। मैं इसको प्रशासन का फेलियर भी कह सकता हूँ, चुनाव आयोग का फेलियर भी कह सकता हूँ। क्यों नहीं प्रशासन ने, चूंकि होता क्या है कि जो लोग 5 साल से वेट कर रहे होते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लोग आतुर होते हैं, नए युवा वर्ग होते हैं। चूंकि हम पत्रकार थे, आज हमने दोपहर में काफ़ी घूमे, हम लोग चंदन गए, हम लोग गऊघाट गए, हम सदर भी गए, हम लोग बीएसए कॉलेज भी गए, हम लोग और भी पोलिंग सेंटर्स पर गए, लगभग 1 दर्जन पोलिंग सेंटर्स का हमने दौरा किया। जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात ये निकल गया है कि लगभग पूरे के पूरे मोहल्ले गायब हैं। भाई ऐसा क्यों हो गया? जब चुनाव आयोग ये निर्देश देता है कि यहाँ के जिला प्रशासन को, यहाँ के जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी, उनको ये निर्देश देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे एक वस्तु स्थिति पता लगे और एक सही प्रत्याशी चुनकर हमारा प्रतिनिधित्व करे। लेकिन इस बार 40% लगभग जो मतदान हुआ है वो वास्तव में एक गलत संदेश जाता है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं ये कहूँगा कि जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं या जिला प्रशासन है, उन वो इसको प्रचार प्रसार नहीं कर पाए वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए। अब होता क्या है कि जैसे वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए बार बार बीएलओ के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से सूची जारी होती है, उसमें आपत्तियां जारी होती हैं, तो मेरा एक ही सलाह है कि कहीं जो जितने भी मोहल्ले हैं या मुख्य जो प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक वार्ड में जो मुख्य स्थल हैं, चौराहे हैं, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, उन पर बड़े बड़े पैम्पलेट्स या होर्डिंग्स के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाए कि आप जाइए अपना वोट लिस्ट में अपना नाम चेक करिए, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको बढ़वाइए। अगर बात की जाए हर बार की, हर बार प्रशासन जो है बड़े बड़े होर्डिंग भी लगवाता था, हर तैयारी करता था कि मतदान जरूर करें, मगर अब की बार मथुरा में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या वही मुख्य कारण राम कम मतदान होने का? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर पाया प्रशासन। भाई क्यों, कौन इसके लिए फेलियर है? भाई मैं 5 साल, सबसे बड़ा हमारे देश लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, और इससे बड़ा हमारा कोई मूलाधिकार नहीं है। ये हमें एक मौका देता है सही प्रत्याशी को चुनने का और गलत प्रत्याशियों को हटाने का। अगर कुछ लोगों ने गलत कार्य किया है तो उसको हटाने का हमें मौका मिलता है, कुछ सही लोग हैं तो उनको हमें जिताने का मौका मिलता है। ये हमारा अधिकार है क्योंकि ये लोकतंत्र है। अब कम मतदान होना ये संकेत नहीं करता कि जिस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए कोई संदेश ये नहीं जाता कि कम मतदान से किसी प्रत्याशी को हम जोड़ के नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन कम मतदान में एक चीज जरूर निकल के आती है कि देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शिक्षित वर्ग है, वो इसका मतलब इस चुनाव में उसने भागीदारी नहीं की है, क्योंकि जो 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 थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास है या मैं कह सकता हूँ कि क्रीमी लेयर से थोड़ा सा ऊपर है, वो इसने उसमें से पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उच्च मध्यम वर्गीय कह सकते हैं हम या उच्च वर्गीय जो वर्ग है, उसने इसमें पार्टिसिपेट जहाँ तक संभव है नहीं किया है। अगर वो करता तो लगभग ये परसेंटेज 60 से ऊपर होता। ये थे हमारे साथ नरेंद्र भारद्वाज जी, और उन्होंने कहा जो शिक्षित वर्ग है उसने पार्टिसिपेट अब की बार इस मतदान में नहीं किया। हमारे साथ अजय शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मथुरा के, आइए इनसे भी जानते हैं। जी अजय शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद। जिस तरीके से मतदान हुआ है क्या कहेंगे उसको? ये उदासीनता जो मतदान की आज देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं जनतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी महसूस होती है। इस तरीके की उदासीनता मतदाताओं में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जितने मतदाता दोषी हैं उतने ही प्रशासन और शासन दोषी है।
इसके पीछे का सीधा सीधा कारण देखने को आज ये मिला कि वोटर लिस्ट में प्रतिबंध के दौरान जो उन्होंने डिवाइडेशन किया उसके अंदर हमने देखा कि कई मोहल्ले दो दो जगह वार्डों के अंदर घुसे हुए थे। मतलब कोई वार्ड अगर एक में है तो वो वार्ड दो में भी है वो मोहल्ला, तो वोट की परसेंटेज तो बढ़ गई लेकिन वोटर तो वही है, वोटर वही है, इस वजह से भी परसेंटेज कम होने के चांस 100% हो रहे हैं। अगर ये परसेंटेज 38% और 40% हो रही है तो ये भी एक प्रत्यक्ष परिणाम है कि एक मोहल्ला दो दो वार्डों के अंदर इंक्लूड है, वोट तो एक ही जगह डाला जाएगा एक आदमी का, ये दूसरा जगह वोट ही नहीं होगा, जा ही नहीं पाएगा, तो ये भी एक वोट ना डालने के पीछे परसेंटेज डाउन होने के पीछे एक मुख्य कारण है। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी आज घूमे होंगे जगह जगह घूमे भी हैं, सबसे बड़ा कारण देखने को मिला कि बहुत से मोहल्लों के वोट ही गायब थे, उसको लेके क्या? वोट गायब होने का अब परसेंटेज में तो इसमें अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज तो उसी से निकलेगी जो वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम ही नहीं है वो तो परसेंटेज में नहीं आएंगे, लेकिन मताधिकार से वंचित करना भी एक अपराध की श्रेणी में तो आता है ना। अगर आपने किसी वोट प्रतिबंध में BL ओते लगा रखे हैं, सब कुछ कर रखा है और इतना पैसा खर्च कर रहा है चुनाव आयोग, तो वो नाम आखिर गायब कैसे हुए? किसका षड्यंत्र था कि 150-200 आदमियों के नाम गायब हो गए, जबकि एक वार्ड के अंदर 8,000-9,000 के जनसंख्या होती है उसके अंदर भी 2,000 आदमी गायब है, 150-150 पूरा परिवार गायब है, वर्षों से रह रहा है। ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तो इसके अंदर निष्कर्षता है ना, कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कहीं हो सकता बैठ के ही बना ली है पूरी लिस्ट, ऐसा भी नजर आ रहा है, या कोई इसके अंदर ऐसे कारण भी लगे हुए हैं, कतिपय लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि कोई वोट डाले, तो ये तो अपराध है ना किसी का वोट नहीं डाला। जिस तरीके से कम मतदान हुआ है और मथुरा प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी भी देखने को इसमें मिली है, पिछली बार जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता था, मतदाताओं को जागरूक किया जाता था, क्या अब की बार उस तरीके से किया गया? जागरूकता तो प्रशासन कोशिश करता है लेकिन उनको जगह जगह बैनर वगैरह भी लगाने चाहिए, अब मतदाता को भी जागरूक होना चाहिए ना, मतदाता भी तो देश में सरकार चुनता है सब कुछ है, प्रशासन के साथ साथ मतदाता भी जागरूक होना चाहिए, इतनी अब शिक्षित वर्ग होता चला जा रहा है तो उनको भी ये जागरूक होना चाहिए कि वोटिंग लिस्ट चेक कर लें, शायद हो सकता है नहीं करी हो, लेकिन कारण ये है कि BLO जब घर घर जाता है तो वो क्या कर रहे थे BLO, एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि BLO ने कुछ नहीं किया होगा तभी ये काम ऐसा खराब हुआ है, अगर BLO जाके सबके घर में जाके अगर चेक करते तो निश्चित होता, शायद लगता है कि एक जगह बैठ के BLO ने ये सब काम कर दिए, इस वजह से परेशानी उत्पन्न हुई है, इसलिए वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ा। शर्मा जी, जिस तरीके से मतदान हुआ क्या मथुरा की छवि ऊपर तक किस तरीके की जाएगी? देखिए मैंने आपको पहली बार ही बताया है कि कम मतदान जनतंत्र के लिए खतरे की घंटी होता है, मतदान जितना 6% में जाएगा जनतंत्र उतना ही मजबूत होगा, ये हमने आपको पहले ही बताया। इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं योगेश भारद्वाज जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज ये भी बहुत घूमे हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि जिस तरीके का मथुरा में मतदान हुआ है क्या कहेंगे उसको? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, जैसा कि आज आप सभी ने देखा है हमारे साथ में कि मतदान हुआ और वोटिंग परसेंट कम है, जो आधिकारिक अभी पुष्टि है 5 बजे तक का 36.66% रिजल्ट निकल के आया है, क्योंकि अभी इसमें बाकी रह गया, अभी बाकी आना है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो कमी लग रही है, कमी आप इसमें देखिए कि जो वोटिंग लिस्ट थी इस बार जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके भी नामों से मेंशन है, जो लोग क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जा चुके हैं उनके भी नाम मेंशन है, एक एक अगर आप मोहल्ले को देखेंगे गलियों को देखेंगे तो 50-50, 100-100 लोगों के नाम गायब हैं, कहीं ना कहीं कम वोटिंग होने की वजह एक और समझ में आती है कि जनता का रुझान कम होना, कम क्यों होना कि शहर में जाम की व्यवस्था को लेकर, बंदरों की व्यवस्था को लेकर, जल भराव की व्यवस्था को लेकर, और जो स्थिति खराब हुई है वृंदावन के अंदर, जो स्थितियां खराब हुई हैं, जो जाम को लेकर मारामारी हुई है, प्रशासन उसमें फेलियर रहा है, प्रशासन वोटों को जो जागरूक करने में फेलियर रहा है, इसी का ये नतीजा है कि पूर्व में जैसे चुनाव हुआ करते थे वोटिंग परसेंट ज्यादा जाया करता था, इस बार वो वोटिंग परसेंट ज्यादा देखने को नहीं मिला है, तो बहुत ज्यादा कसमकश वाला चुनाव है, बहुत ज्यादा रस्साकशी होगी, रस्साकशी इसलिए होगी क्योंकि 2.5 लाख के आसपास ही कुछ मतलब वोटें पड़ी हैं और उसमें आप लगा लीजिए कि किस हिसाब से चीजें होने वाली हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए मथुरा की तो तकरीबन 7.5 लाख वोटर हैं और 7.5 लाख वोटरों में से 2 से 2.5 लाख वोट डले हैं, तो मथुरा प्रशासन क्या कहेंगे कि पिछली बार विकास ना होने के कारण या जनता जागरूक नहीं थी या जनता जो शिक्षित वर्ग है उसने वोट नहीं दिया, क्या कहेंगे?
दरअसल देखिए सरकार जो है इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाते हैं, बहुत सारे समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन ये जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों के नाम गायब हैं वो लोगों के नाम आने चाहिए थे, जो लोग मृतक हैं उनके नाम काटे जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसको ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने में या उनको आगे ले आने में जिला प्रशासन पीछे रहा है। ये थे हमारे साथ योगेश महाराजा जी, अभी हमारे साथ दुबे जी हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। ये भी काफी आज घूमे हैं, इन्होंने भी सर्वे किया है, बूथ बूथ गए हैं, आइए जानते हैं जी जो मतदान हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे। पहली बात तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पुलिस की आवाज को, जिस तरह आपने पूरे समय में कवरेज किया है पूरे चुनाव में, वो आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि परसेंटेज जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं जो है सामान्य वर्ग को हम दोषी देंगे, हम भी सामान्य वर्ग से ही आते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग क्या करते हैं इन दिनों में मौज मस्ती करने चले जाते हैं कि चलिए आज हम ये करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। सामान्य वर्ग जो होता है वो अगर निकलता है तो ये लगभग 50 के ऊपर आंकड़ा जाता है, जहां तक मेरा एक है, क्योंकि मैं भी चुनाव में सक्रिय रहता हूं अक्सर। और इसमें असली जो कारण है चुनाव परसेंटेज गिरने का, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हुए हैं, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हुए, इसके लिए बीएलओ दोषी है। असली में दोषी बीएलओ को मांगता हूं, अगर बीएलओ के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि अगर मोहल्ले में कोई गड़बड़ी हुई तो अगली बार आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो मरे हुए हैं उनको जो है कम से कम उनको निकाला जाए, जो जिंदा है उनको जोड़ा जाए, नए वोटर्स को जोड़ा जाए। इसका मतलब बीएलओ कहीं घर में बैठ के अपने आप बना लिया उन्होंने पुरानी देख के लिस्टों को, असली कारण इसका बीएलओ हो जाता है। ये थे हमारे साथ मथुरा के कुछ पत्रकार साथी, और इनका कहना है कि जो कम मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं मथुरा प्रशासन की नाकामी जाहिर होती है, क्योंकि वो मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाए। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब कि कितनी मतलब कि ये इसमें गड़बड़ी है, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं कि क्या इनको नहीं पता है कि अगर हिंदू है तो उसके पिता का नाम मुस्लिम कैसे हो जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नगर निगम वृंदावन, दिखाता हूँ मैं नगर निगम वृंदावन मथुरा कृष्णापुरी अंबाखार, ये मतदाता का नाम है राजीव और पिता का नाम फिरोज खान है, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये साफ झलकता है कि किस तरह से गड़बड़ी हुई है। और क्या इसमें क्या पढ़े लिखे लोग नहीं बैठे हैं, ये आरक्षण के कारण जो है कि लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है, इसलिए विशेष जिम्मेदारियां बनती है, इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बड़ी बात है कि अगर किसी की पर्ची मतदाता पर्ची बन रही है तो कहीं ना कहीं उसमें भी मिस्टेक देखने को मिली है, जिसके कारण मतदान नहीं हुआ। हमारे साथ एक और साथी हैं, राजू पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति में काफी इनकी पकड़ भी है, और राजनीति की अगर बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो पंडित जी का कहीं ना कहीं एक अच्छा रुझान रहता है। पंडित जी जानना चाहूंगा आज जो मतदान हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पुलिस की आवाज की, आप लोगों ने जो मेहनत की है वोटरों को दिखाने में, रुझान दिखाने में, जो आपका चैनल है काफी सक्रिय रहता है, आप लोगों की मेहनत की मैं आप लोगों को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। वोटरों का लगाव सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही आता हूँ, मेरा खुद का वोट नहीं है, मेरे घर का किसी का वोट नहीं है, ये स्थिति है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका वोट नहीं है और प्रशासन कह रहा है कि हमारे इतने बीएलओ ने काम किया है, घर घर गए हैं, पर्ची वितरण की है, लोगों को जागरूक किया, क्या लगता है कि लोगों को जागरूक किया है? अगर लोगों को जागरूक करते तो क्या इतना परसेंट मतदान होता? मेरे साथ ये वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हुए हैं जी। मैं इन लोगों के साथ खुद अपना वोट ढूंढा है हम लोगों ने आज घंटे, ये अजय शर्मा जी हैं राजपथ जी से, इन्होंने खुद मेहनत करके मेरा वोट ढूंढा, मेरा वोट कहीं नहीं मिला, ये स्थिति है प्रशासन की। तो क्या इसमें मथुरा प्रशासन की नाकामी नहीं कहेंगे? अगर इतना मतदान हुआ है, क्या मथुरा प्रशासन मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक नहीं कर पाया? क्या देश हित में जो मतदाता हैं अपना दान मत का दान करते हैं, अमूल्य मत का दान करते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, वो मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाया या प्रशासन उनको जागरूक नहीं कर पाया, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं पहले चुनाव लड़ चुका हूं वार्ड नंबर 65 से, जब मेरे साथ ये स्थिति है तो आम जनता के साथ क्या स्थिति होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जब आप चुनाव लड़े थे आपका वोट था, मगर अब जब आपने वोट डालने के लिए गए तो आपका वोट काट दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसकी भूमिका में बीएलओ की जो भूमिका है वो संदिग्ध लगती है, क्या कहेंगे? पूरे वार्ड में पहले पर्ची आती थी, पर्ची लोग
वितरित करते थे, जो चुनाव लड़ते थे वो घर घर वितरित करने जाते थे, कहीं कोई पर्ची नहीं गई, कहीं किसी की कोई या किसी के यहाँ कोई पर्ची नहीं गई, किसी का वोट नहीं है, काफी लोग परेशान है, हर वार्ड में परेशान है। मैं भी इन लोगों के साथ घूमा हूँ, मैं अपने खुद वार्ड में घूमा हूँ, मेरे वार्ड में कम से कम 250 से 300 वोट गायब है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं मथुरा प्रशासन मतदाताओं को जागरूक नहीं कर पाया, जिसके कारण आज जो मतदान हुआ है वो इतना कम हुआ है। और इस मतदान को कम होने से लोकतंत्र को खतरे वाली बात इन्होंने कही है कि लोकतंत्र में जब मतदाता ही जागरूक नहीं होगा, मतदाता ही अपना मत का दान नहीं करेगा तो देश चलेगा कैसे और लोकतंत्र बनेगा कैसे। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ बीएल पांडे, मथुरा।